टुडेज टॉपिक इज सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या होती है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल थ्योरी पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हमको क्या करना है, आगे जाके कई एडवांस चीज़ें पढ़नी हैं। बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, जिसकी जानकारी हमको बायोलॉजी के सब्जेक्ट में होनी ज़रूरी है। तो उन एडवांस चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको सेल थ्योरी की जानकारी होनी ज़रूरी है। अब ये पूछोगे आप कि भाई ऐसा क्यों, तो सपोज़ मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि यदि आपको नर्सरी के बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक आपको सुनाना है, तो वो 1 to 10 उसके लिए बेसिक हो जाता है। 1 से लेकर यदि इसको 1, 2, 3 जो नंबर्स पढ़ते हैं बचपन में, तो ये जो 1, 2, 3 इसके बेसिक पार्ट्स हैं जिसको यूज़ करके हम हायर नंबर्स की ओर बढ़ते हैं। हायर नंबर जैसे एग्जाम्पल 1000, 1000 को मैं उसको वहाँ पे 1000 भी बोल सकता हूँ। तो यदि मेरे को यही नहीं पता होगा कि इसको मैं 1 बोलता हूँ, तो इस पूरे जो डिजिट्स यहाँ पे हैं हमारे सामने 1, 2, 3, 4, तो ये पूरे 4 डिजिट्स का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई मीनिंग इसका हम बोल ही नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे सीधा सीधा, हमको तो ये आता नहीं है, या तो ये 0 वर्ड है, तो पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये 1000 का जो मीनिंग होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ों का ज्ञान या फिर हमको नॉलेज होना ज़रूरी है। सो वैसे ही सेल थ्योरी को बनाया गया, जिसकी जानकारी हमको ये बताती है कि यदि हमको एडवांस चीज़ें पढ़नी है, जैसे मान लो कोई भी एक ऑर्गेन है, उसके जो फंक्शंस हैं, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है, उसके क्या फंक्शंस है, ये सब जानना हमको ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को जानने का इम्पोर्टेंस हमको तभी मिलेगा जब हम जानेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कुछ साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, जो ये बताती है कि जो सेल है वो हमारे बॉडी में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे कि जो सेल, हमने जान रखा है इसके डेफिनेशन में कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक मतलब जिसका नीड आपके बॉडी को है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी बनेगी या फॉर्म होगी, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो जो सेल्स होते हैं इसलिए हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेल की जानकारी हमको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब सेल के बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिलते हैं तो इनसे बनता है टिश्यू। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल्स, या एन का मतलब ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स, एन नंबर ऑफ सेल्स दैट फॉर्म एज टिश्यू। ठीक है, सेल के ग्रुप जो होते हैं बनाते हैं टिश्यू। वैसे ही टिश्यूज़ के यानी कि बहुत सारे टिश्यूज़ के जो ग्रुप्स होते हैं उनसे बनता है एक ऑर्गेन। ऑर्गेन आपस में फंक्शन करते हैं, ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं, तो इनसे बनता है एक पूरा का पूरा ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑर्गेन सिस्टम आपस में कंबाइन होंगे, फॉर्म होंगे, फंक्शन करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो बॉडी का वर्क है या डिफरेंट फंक्शन है वो क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे और अपने बॉडी के लिए एडवांटेज या पर्टिकुलर परफॉर्मेंस देंगे, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, एक पूरा का पूरा नया का नया लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, जिसको हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में। तो यहाँ सेल जानना, यहाँ पे जो सेल है ये नंबर्स हैं। 1, 3 जैसे नंबर्स बेसिक हैं, वैसे ही बायोलॉजी में जो बेसिक पार्ट है वो है सेल, जिसको जानना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इसको यदि हमको एडवांस चीज़ें पढ़नी है तो यहाँ सेल को जानना ज़रूरी है, इसलिए सेल थ्योरी को यहाँ पे दिया गया है। सेल थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एडवांस चीज़ों, हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स हैं या टिश्यूज़ हैं या ऑर्गेन्स हैं, इनकी जानकारी रखने के लिए हमको सेल को जानना ज़रूरी है। दैट्स व्हाई सेल थ्योरी को हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट के द्वारा जो मेन क्रेडिट इसको जाता है, सिंपल वर्ड में भी बोलें तो वो होता है मैथियस स्क्लाइडन और थियोडोर स्वान। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दी थी, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स या जो पोस्टुलेट्स होते हैं इन 2 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब जान लेते हैं कि सेल थ्योरी होती क्या है। अब यहाँ पे सेल थ्योरी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज क्लासिकल सेल थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न सेल थ्योरी। दोनों में सिर्फ 2 पोस्टुलेट्स या 2 ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है।
क्लासिकल सेल थ्योरी क्या बोलती है? सेल थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है जिसमें हमको जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने मिलते हैं वो ये होते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने होते हैं सेल से। पहला लाइन एकदम क्लियर है। सेकंड बोलता है कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमने डेफिनेशंस में इसके देखे थे। सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसके थ्रू ही एक पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, जो कि इस पर्टिकुलर सेल थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। थर्ड इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि लिविंग सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स होते हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि सपोज ये एक सेल है, सेल में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि एक ही सेल क्या होता है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और ये जो सबसे पहला जो पेरेंट सेल है इसी को प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले एग्जिस्ट करने वाले सेल से नए सेल्स बनते हैं, यानी कि एक सेल से कई सेल्स बनते हैं। लास्ट लाइन जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका मीनिंग यहाँ पे यही है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उन्हीं से नए सेल्स फॉर्म होते हैं। इनको बोला जाता है क्लासिकल सेल थ्योरी। अब यहाँ पे सेकेंड वन जो है वो है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी एड्स टू एडिशनल पॉइंट्स। अब क्या होता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी में दो एडिशनल पॉइंट्स को ऐड किया गया है। सबसे पहला यहाँ जो पॉइंट्स आता है वो है, सबसे पहला जो यहाँ पॉइंट है वो ये है कि सेल्स कंटेन एंड पास ऑन हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? सेल डिवीजन के वक्त जो सेल होता है वो कंटेन करता है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन या हेरिडेटरी कंपोनेंट्स, जो कि एक सेल से दूसरे सेल्स में पास होता है। अब यहाँ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन या हेरिडेटरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हेरिडेटरी कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, ठीक है? यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ उनका एक्टिविटी या फिर उनका कोई अपियरेंस पास आउट होता है एक जनरेशन से, यानी कि पेरेंट के जनरेशन से उनके चिल्ड्रन में। इसको बोलते हैं हेरिडेटरी या हेरिडेट, ठीक है? या हेरिडेट का मतलब यही है, हेरिडेटरी कंपोनेंट का मतलब डीएनए आरएनए, यानी कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर, इनको बोला जाता है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन या हेरिडेटरी कंपोनेंट, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन को हम देख लेते हैं एक बार और। सेल्स कंटेन मतलब सेल्स में हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल्स में पास होते हैं थ्रू सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये बोलता है कि ऑल सेल्स आर रिलेटिवली द सेम इन रिलेशन टू केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसका मीनिंग ये होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। सेकेंड पोस्टुलेट का मीनिंग ये होता है। तो ये थे क्लासिकल और मॉडर्न सेल थ्योरी, जो कि हम सेल थ्योरी के टॉपिक में एग्जाम वगैरह में लिख सकते हैं। इसमें दो साइंटिस्ट जो मैंने आपको बता रखा है उसको जानना और उसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्जाम्स वगैरह में पूछता है। सो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन सेल थ्योरी से रिलेटेड जो आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि बायोलॉजी में यदि आपको एडवांस चीज़ें पढ़नी है तो सेल का इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। इसके अलावा इसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यदि आपको कुछ और जानना है, यदि इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो उस लिंक से आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है, चाहिए तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये यूज़फुल होगा। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें ताकि दूसरे भी हील हो सकें।